subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। बिग बॉस के घर में आखिरकार क्या हुआ? अर्शी खान का मुद्दा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। गेट खोल दिया है, सलमान खान ने बजाया बैंड। अर्शी खान को कहा, कई लोगों ने कहा था सलमान खान किक्ड आउट अर्शी खान, तो जबकि हंगरी स्पिरिट चैनल ने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि हंगरी स्पिरिट चैनल को मालूम था कि क्या होने वाला है। अर्शी खान ने बिग बॉस के शो को उठाया है, कंटेंट दिया है भरपूर, और वो लड़ाई भी हमको लग रहा था कि इसमें विकास गुप्ता भी इतने दूध के धुले नहीं है, तो ये चीजें लग रही थी। यहां पे जब मुद्दा उठा तो शुरू में सलमान खान ने बात करके के मुद्दा उठाने की, कौन कौन किसके लिए मुद्दा उठाता है, फिर घूम के अर्शी खान के ऊपर आ गए। जब मुद्दे से आए अर्शी खान के ऊपर तो अर्शी खान को बोलने नहीं दिया गया, अर्शी खान के बारे में बोले और अर्शी खान उठ के चली गई, के कहा कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो हालांकि मैंने सोचा कि यार सलमान खान के सामने कोई ऐसे कैसे कर सकता है, अर्शी खान ने ये हिम्मत दिखाई, जिगरा दिखाया, फिर सलमान खान उस चीज को बॉदर नहीं करते हैं। सलमान खान फोकस करते हैं रुबीना दिलायक, रुबीना आप बोलो आप बोलो आप बोलो, तो रुबीना दिलायक बोलते हैं, फिर सलमान खान एक एक करके सभी को धोते हैं। तो के कहते हैं कि भाई आपको इतना बुरा लग रहा था तो आपने तब मुद्दा क्यों नहीं उठाया था, तब आप क्यों, आप सिर्फ खुद का ही क्यों सोचते हो, ऐसी चीजें हुई। लेकिन अर्शी खान ने जिद पकड़े रखी कि मैं अपनी बात क्लियर करके मानूंगी, तो बहुत कुछ सुना। बाद में अर्शी खान को मैक्सिमम जो है तहजीब की दवाई भी दी गई, तो तहजीब की दवाई खाने के बाद भी अर्शी खान ने कहा कि सलमान साहब मुझे आपसे बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि ये थोड़ा तहजीब से बात करेंगे, ये पहले टास्क पूरा कर लो। फिर जब बात हुई तो अर्शी खान ने एक एक चीज बताई कि कैसे विकास गुप्ता ने बिग बॉस के घर से बाहर एंटर होने होते हुए, तो अर्शी खान को ये कहा था कि अर्शी खान, विकास गुप्ता बहुत बड़े आदमी हैं, विकास गुप्ता बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो वो क्रिएटिव है, वो बाकायदा तौर पर लोगों को बहुत काम दिला सकते हैं, तो ये बात जग जाहिर है। तो विकास गुप्ता, अर्शी खान एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस है, जिनको एक्ट्रेस को हमेशा काम की जरूरत होती है। तो विकास गुप्ता ने अर्शी खान को कहा कि अर्शी तो अभी तेरी मेरी दोस्ती है, लेकिन बिग बॉस के घर में जाके हम लगातार कई हफ्ते तक या तीन या चार हफ्ते आपस में लड़ेंगे, लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं जनता को ये नहीं दिखाना चाहता कि जनता ये कहे कि बस विकास गुप्ता इतनी जल्दी अर्शी खान से दोस्ती होगी। तो वो बोली इसके लिए मैं उसके साथ लड़ती थी, वो लड़ाई जो हम लड़ते थे वो फेक लड़ाई थी, जो हम सबको लगता था, कहीं ना कहीं घर वालों में लगता था यार शायद से स्क्रिप्टेड तो नहीं है, वो बिग बॉस की तरफ से स्क्रिप्टेड नहीं था, वो इन दोनों का स्क्रिप्टेड शो था। लेकिन जब विकास गुप्ता, क्योंकि मास्टरमाइंड इंट्रोड्यूस किए गए थे, मास्टरमाइंड घर में आए थे, तो मास्टरमाइंड ने जब अपनी मास्टरमाइंड ही चली और बिग बॉस को बोला कि मुझे टच किया, टच किया, तो अर्शी खान ने कहा, तब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो कुछ अलग कर रहा है। तो फिर उसने मेरे अब्बा की बात की, तो फिर मैंने उसकी अम्मी की बात की, और अर्शी खान ने एक एक चीज क्लैरिफाई कर दी कि अर्शी खान ने तो अम्मी के बारे में गलत तो कुछ भी नहीं कहा था, उसने कहा था कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है तो वो किसी का नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पे जो एक बहुत बुरी बात हुई विकास गुप्ता के लिए, सब सारी दुनिया के सामने ये चीज आ गई है कि विकास गुप्ता की मदर बीमार है और वो अपने इलाज के लिए अर्शी खान को फोन कर रही है, विकास गुप्ता अपनी मां की केयर नहीं करते हैं, ऐसी चीज नेशनल टेलीविजन पे आ गई। लेकिन आई तो क्यों आई, क्या उसके पीछे मकसद है कि आगे ये शो में क्या होने जा रहा है। लेकिन यहां पे अर्शी खान को सलमान खान कह, देन आई एम सॉरी, लेकिन आपका अंदाज गलत था, अंदाज आपको ठीक करना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी सलमान खान का सॉफ्ट बिहेवियर अर्शी खान के प्रति ये दिखाता है। और दूसरी बात, जो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अर्शी खान को सलमान खान ने हिंट दिया कि भैया ये जो चीजें तुम कर रही हो घर में, ये रुकने का नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है, इसको आगे भी करना है। ये कैसे हिंट दिया तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन साफ साफ हम सभी ने देखा कि बिग बॉस के घर में एंड में
आरसी खान को क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दी और बाकी सारे घर वालों के हो गया कि भैया आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो और बड़ा पाव खाते हो। ये कहावत है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हो, महाराष्ट्र की कहावत है। जिनको बड़ा पाव के बारे में नहीं पता उनको ये कहावत भी समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब है हांकते तो बहुत बड़ी बड़ी है, करते कुछ नहीं है। वीकेंड का बार में तो ऐसे कहेंगे ये कर दूं वो कर दूंगी, अदरवाइज कुछ नहीं करते हैं। तो उनके ऊपर सलमान खान का ये तंज था। अब आगे इसके बाद अर्शी खान तो रुकने वाली नहीं है भैया, तो आगे जाके क्या चीजें होगी, किस तरीके की चीजें होगी, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। तो लेकिन क्या विकास गुप्ता बिग बॉस के घर में वापस आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके ऊपर चर्चा हम करते रहेंगे। तो कल और दिमाग में खुराफात आई और नया आइडिया है कि भाई इस तरीके से विकास को अभी तक तो लगता है कि नहीं आएंगे यार, किस्सा ही खत्म कर दिया, सारी बातें सारी गलती विकास गुप्ता की निकाल दी अल्टीमेटली। तो अब तो भैया विकास गुप्ता का आना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आ भी सकते हैं। एक आइडिया मुझे आज रात को आएगा कि किस तरीके से विकास गुप्ता की होगी बिग बॉस के घर में वापस एंट्री, तो उसकी बात करेंगे कल या आज ही शाम को। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। धन्यवाद। Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.